हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बन्ना जेएस के रेसिपीज में। आज हम लेके आए हैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी। बहुत ही यमी, क्रीमी और टेस्टी सा पास्ता बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को। ये इतनी टेस्टी और यमी रेसिपी बनके तैयार होगी कि आप सभी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। घर पे ही आप रेस्टो जैसा मज़ा ले सकते हैं। तो हम इस रेसिपी को झटपट जल्दी से बना कर शुरू करते हैं। हमने ये पानी रख दिया था 1 लीटर, और इसे बॉईल होने के बाद हमने इसमें 1 बॉल भर के पास्ता डाल दिया है। पास्ता को अच्छे से बॉईल करेंगे। इसी बीच हम इसमें फ्रोजन स्वीट कॉर्न डाल देंगे, वो भी इसके साथ साथ में बॉईल हो जाएंगे। तो मैंने थोड़े से फ्रोजन स्वीट कॉर्न लिए हैं, वो डाल दिए हैं। और पास्ता में स्वीट कॉर्न का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी तो इसमें बॉईल नहीं आया है। हमने इसमें पास्ता के पानी में नमक और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया था। अब इसे हम देखेंगे, हमें पास्ता पूरा कुक नहीं करना है, हमें इसे 90% कुक करना है। अगर हम ज़्यादा कुक कर देंगे तो हमारा जो पास्ता है टूट जाएगा। हम इस तरीके से नाइफ से कट करके देख लेंगे कि हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है पकाने लायक। तो ये अच्छे से इस तरीके से टूट रहा है, तो समझो हमारा पास्ता रेडी है। ये 3-4 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो गया। अब हम इसे एक छलनी की सहायता से इस तरीके से निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसे हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने रख दिया था, ये एकदम अच्छे से बॉईल हुआ है। अब हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने एक पैन में 1 छोटी चम्मच ऑयल लिया था, उसमें 1 चम्मच लहसुन ग्रेट करके डाल दिया था, और अदरक इस तरफ, और 1 हमने प्याज बारीक कट करके डाल दी थी। इन सबको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा ही कुक करना है। और अब हम इसमें आधी शिमला मिर्ची लाल वाली कट करके डाल देंगे, और आधी ही हम इसमें हरी शिमला मिर्ची डालेंगे, इससे अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास जो शिमला मिर्ची हो वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम दोनों शिमला मिर्ची अवेलेबल थी, तो हमने दोनों डाल दी हैं। इससे स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसमें कलर अच्छा आएगा और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। हम व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो हम सब्जियों को पहले हमने सबको अच्छे से फ्राई करके एक तरफ रख लिया है। उसी पैन में हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया, 1 चम्मच भर के हमने इसमें मैदा डाल दिया। मैदा को थोड़ी देर तक भुनेंगे, जब तक इसका कच्चा फ्लेवर नहीं चेंज हो जाता, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब हमने इसमें 1 कप भर के दूध डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मैदा के पूरे लम्ब्स नहीं बने दूध में, इस तरीके से इसे चलाते हुए स्मूथ कर लेंगे पूरे लम्ब्स ख़त्म करने तक। ये देखिए, हमने एकदम स्मूथ कर लिया है। अब हम इसमें प्रोसेस चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। मेरी अमूल की प्रोसेस चीज़ थी, वो हमने ग्रेट करके डाल दी है। इससे हमारा जो पास्ता के लिए व्हाइट सॉस बना रहे हैं वो एकदम थिक हो जाएगी, थोड़ी क्रीमी हो जाएगी, इसलिए चीज़ डालने। आप इस जगह मलाई और मेयोनीज भी डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग मेयोनीज भी यूज़ करते हैं, मैंने इसमें मेयोनीज नहीं ऐड की थी। अब हमने इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है, 1/2 छोटी चम्मच हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और अब हम इसे थोड़ा बॉयल आने तक पकाएंगे इस तरीके से चलाते हुए। इसमें अच्छे से बॉयल आएगा जब तक हम पकाएंगे इसको, और हमारा ये सॉस बन के तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है, और ये हमारी व्हाइट सॉस बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो सब्जियां हमने पका के रखी थी उन्हें डाल देंगे, और ये हमने मिक्स अप्स डाल दिए हैं, इसी जगह पे हम मिक्स अप्स डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से हम पका देंगे। अब सब्जियां डाल देंगे, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, कलरफुल, और हमारी व्हाइट सॉस बन के एकदम रेडी है पास्ता के लिए। अब हम इसमें अपना पास्ता और जो कॉर्न थे वो मिक्स कर देंगे। हमारा यम्मी टेस्टी सा पास्ता बन के तैयार है। हमने 2 मिनट और पकाया था, और ये क्रीमी और यम्मी सा पास्ता बन के तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।